हेलो गाइस, वेलकम बैक दोस्तों। आज जो है ये सीलिंग फैन का जो कोयल है, इसको जो है हम लोग रिवाइंड करने के लिए इसको काट के निकालना पड़ता है। तो इसको आप जो है आसानी से कम समय में जल्दी कैसे काटेंगे, इसका बारे में आप लोग को जो है हम दिखाएंगे। तीन चीज़ से हम लोग काट करके देखेंगे किस चीज़ से जो है, कौन सा टूल से जो है इसका कोयल जो है आसानी से कट के निकल जाता है, वो दिखाएंगे आपको ये वीडियो के जरिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये फैन, सीलिंग फैन का कोयल है, स्टार्टर। तो कहीं आप भी कोयल को जो है अपना सीलिंग फैन का कोयल को खुटी रिवाइंड करने के बारे में सोच रहे हैं, और जो है रिवाइंड करने से पहले ये पुराना कोयल को हम लोग जो है निकालना पड़ता है। तो ये जो हेक्सो ब्लेड है उसका जरिए मैं फर्स्ट टेस्ट जो है कर रहा हूँ। हेक्सो ब्लेड का जरिए इसको काट के निकालने का कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना समय में कितना ये कोयल जो है निकल जाता है, और जो है इसका निकालने का जो तरीका है सही या गलत है दिखेंगे। तो देखिए ये एक्सो ब्लेड के ज़रिए मैं निकालने का कोशिश किया, लेकिन कोयल जो है देखिए कैसे जो है कोयल जो है लेने लायक भी नहीं रह गया है। तो ये सबसे मैं जो हूँ, ये जो स्टिपर है, वायर स्टिपर है, इसका मदद से ही मैं कोयल को निकालता हूँ काट करके, क्योंकि ये तरीका मुझे एकदम आसान लगता है, और जो है आपको ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है, और आसानी से कोयल जो है निकल भी जाता है। ये देखिए कैसे वायर स्टिपर के ज़रिए जो है आप कोयल को आसानी से कट करके जो है आसानी से इसको निकाल सकते हो। दोस्तों आप लोग अगर फैन रिवाइंडिंग के बारे में अगर जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका भी रिवाइंडिंग करने का जरिया जो है, तरीका जो है, मैं बताएंगे एक वीडियो जो है। ये सीलिंग फैन का जो कोयल है इसका रिवाइंडिंग का भी एक वीडियो अपलोड करेंगे मैं। और दोस्तों मेरे पास कोई मशीन वगैरह नहीं है, मैं अपने हाथों से ही जो है कोयल को रिवाइंड करता हूँ। तो शुरू शुरू में तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप रिवाइंड करना शुरू कर देंगे, दो तीन चार पाँच फैन अगर रिवाइंड कर लोगे तो जो है जल्दी हो जाता है, आसान लग जाता है सब कुछ। तो दोस्तों देखिए ये स्टिपर के ज़रिए मैं कैसे इसको आसानी से जो है कट करके निकाल रहा हूँ। मैं ये वायर स्टिपर और जो है मेरे पास जो मेटल शीट कटर है, ये मेटल शीट कटर से भी मैं कट करके इसको निकाल देता हूँ। देखिए थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगता है, आपको प्रेशर ज़्यादा देना पड़ता है ये मेटल शीट कटर में, लेकिन ये वायर स्टिपर में जो है कोई भी आपको जो है प्रेशर देने का ज़रूरत नहीं है, आसानी से जो है कोयल जो है कट जाता है। तो दोस्तों कौन सा तरीका आपको जो है आसान लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास इससे भी कोई अच्छा आसान तरीका है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं अपने जो है व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगा। ये देखिए ये जो है स्टार्टिंग में एक्सोप्लेट से जो है कट किया था वही कोयल है, क्योंकि कोयल को कट करके जो है बाद में जो है इसका डेटा भी लेना पड़ता है हम लोग को। तो कोयल जो है इतना बुरी तरह से भी नहीं काटना, आप लोग जो है एक दो कोयल का जो स्लॉट है अच्छी तरह से काट करके निकालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि डेटा भी लेना ज़रूरी होता है इसमें। तो दोस्तों देखिए वीडियो में बने रहिए, आप लोग कौन सा तरीका आप लोग को जो है अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।